सामाजिक मनोविज्ञान है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र कि किस किस चीज का अध्ययन हम सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक आता है कि सामाजिक मनोविज्ञान के सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक, यानी वो ऐसे फैक्टर्स, सोशल और कल्चर ऐसे फैक्टर्स जो सामाजिक मनोविज्ञान के निर्धारक माने जाते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान के जो सामाजिक या सांस्कृतिक निर्धारक हैं, इनके इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हल्का सा इसको डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक, अगर हम सोशलाइजेशन, समाजीकरण आपने पढ़ा है फर्स्ट सेम में, सोशलाइजेशन क्या होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो हाडमास का पुतला होता है, उसमें अपनी बुद्धि का अभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, समाज के संपर्क में आने से क्या होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण जिसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद क्या होता है, वो अपनी माता से, ठीक है, अपने भाई बहनों से, अपने घर के अन्य सदस्यों से व्यवहार को सीखता है। और उस व्यवहार में क्या है, एक माँ बच्चे को जैसे खाना सिखाना, बोलना सिखाना, इवन चलना सिखाना। तुमने अगर पढ़ा हो सोशलाइजेशन में, कुछ ऐसे बच्चे अन्ना जो साउथ के जंगलों से पाया गया था, एक बच्चा तो वो भेड़िए की मांग से पाया गया था, उस बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ ही नहीं था। उसमें क्या था, क्योंकि वो जंगल में पला बड़ा था, वो अपने आप को भेड़िए जैसा बिहेव करता था, उसको लगता था मैं भेड़िया हूं, वो अपने हाथ पैरों पे चलता था, वो सीधे नहीं खड़े हो पाता था। साथ ही साथ वो जैसे भेड़िए दौड़ते हैं, उछल कूद करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, तो उसका सोशलाइजेशन जैसे हुआ था वैसे ही उसका व्यवहार था। आप एक बात समझिए, अगर हम बच्चे को, एक माँ यदि चलना ना सिखाए, तुम देखिए जब बच्चा जो होता है 1 साल क्रॉस कर जाता है तो उसकी माँ उसको हाथों से पकड़कर उसको एक एक स्टेप चलना सिखाती है। अगर हम चलना ना सिखाए ना, बच्चा कभी भी खड़ा ना हो पाए, कभी भी वो खड़ा होने में डरे और वो चल तो पाएगा नहीं, क्योंकि वो हाथ पैर दोनों को, चारों को पैर ही समझेगा, वो कभी भी सीधे खड़े होकर नहीं चल पाएगा। आप खुद को ही ले लीजिए, हम अपने आप को, जब हम किसी व्हीकल को सीखते हैं, स्कूटी या साइकिल, जब हम साइकिल स्कूटी सीखते हैं हमें बहुत कठिन लगती है, लगता है कि हम गिर जाएंगे, बस अब तो गए, इस बार तो पक्का गए। लेकिन जब हमें चलानी आ जाती है तो मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे कैसे चलाते हैं, जिगजैग, जूम जूम जूम, मैं सोचती हूँ कितने परफेक्शन इन्हें हो गया। कहने का मतलब सब चीज टोटली सीखने की प्रक्रिया है, ऐसे ही बच्चे का बिहेवियर होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, तो सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और संबंधों का अध्ययन समाज के संदर्भ में किया जाता है, और वो भी वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक रिसर्च जैसे कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब ऐसा माना जाता है वो कल्चर और सोशल फैक्टर्स क्या हैं जो सामाजिक मनोविज्ञान के निर्धारक माने जाते हैं। तो सबसे पहले वो फैक्टर्स में आता है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। देखिए, इसमें सबसे पहले आया है परिवार, परिवार जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फैमिली। मैंने अभी अभी बताया जब बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में आता है। बच्चे को पैदा होते ही साथ कोई किताब नहीं पकड़ाई जाती है कि बेटा पढ़ ले और सोशलाइजेशन अपना कर ले, नहीं, बच्चे में तो समझ ही नहीं होती, बच्चे को तो समझाया जाता है, उसे बताया जाता है। तो जो बच्चे को एक परिवार के में सदस्य द्वारा, माता के द्वारा, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था, छोटे बच्चे अक्षर क्या है, खेल कूद में गलत शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ने लग जाते हैं, गाली देना, ठीक है, बच्चा क्या है, अनायास ही बच्चों के साथ खेलने गया, गाली सीख गया, उसको बड़ा मजा आया, उसने गाली दी तो दूसरा बच्चा बड़ा चिढ़ा, उसे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है,
ठीक है, इससे सामने वाले ने अपना एग्रेसिवनेस दिखाया। देखिए कई बार बच्चे आपस में खेलते हैं, उसने कहा कुत्ता कुत्ता है तू, होता है बच्चे बोल देते हैं, ठीक है, तो सामने वाला चुन गया, अच्छा ऐसे बोलेगा तो मैं तेरे से बात ही करता हूँ, उनकी लड़ाई हो गई घर पे आया। अब बच्चे के मन में बैठ गया ये कोई शब्द है, उसने घर पे बोला तो उसकी माता ने देखा ये क्या बोला, तो उसने टोका अपने बच्चे को, ये गंदी बात होती है, आप आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बार बच्चा तो फ्लो में था, फिर एक बार निकल गया कुत्ता, जब उसकी माँ ने देखा और उसको डांट लगाई और उसको थप्पड़ लगाया कि पहले बोला था ना ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना। कहने का मतलब एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को गलत शिक्षा से रोका गया। तीसरी बार जब बच्चे के मुंह से कुत्ता निकला तो पहले उसने चारों तरफ देखा, मेरी माँ तो नहीं है कहीं, बच्चे यानी उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक समझ विकसित हो गई, ये बुरी बात है मुझे इसको बोलना नहीं है, अगर बोलूंगा तो मेरी मम्मी मुझे मारेगी। तो सोशलाइजेशन बच्चे का सबसे पहले होता है उसके परिवार में, खाना सीखना, बोलना सीखना, चलना सीखना, इवन हम जो धर्म से संबंधित पूजा पाठ ये देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे मुस्लिम संप्रदाय में नमाज पढ़ना सीख जाते हैं, हिंदू में मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा अब पूजा पाठ करना सीख जाते हैं। कहने का मतलब अपने घर परिवार में उनका सोशलाइजेशन होता है। तो सामाजिक निर्धारण में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि परिवार के माध्यम से बच्चा क्या होता है, सीखता है अपने व्यवहारों को, हमें बड़ों को कैसे नमस्कार करना है, बड़ों का कैसे रिगार्ड करना है, छोटों से कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे रहना है। बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उन्हें ये सब पता रहता है कि घर में मेहमान आए हैं, अब वो तुरंत मेहमानों को रिझाने के लिए पोयम सुनाएगा और मम्मी तो बस फिदा अपने बच्चे पे, मेरा बच्चा तो बस बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि माँ ऐसा लगता है ना कि जो मैंने अपने बच्चे को सिखाया। कई बार कोई मेहमान आते हैं तो मम्मी आती है, बेटे बेटे आ, आंटी को बोल के सुना, बुल बुल बुल। मम्मिया जैसा होता है भाई सिखाती है, देखो मेरे बच्चे कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, बोल के दिखाओ, मैं नहीं बोलूंगा, बेटे बेटे बोल बोल। ये सब क्या होता है वास्तव में, सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन होता है। हम प्रोटेक्ट, देखो इरविन गॉफमैन थे, इरविन गॉफमैन को तुम आगे आने वाले सेमेस्टर में पढ़ोगे, उन्होंने कहा हमारी लाइफ क्या है, हमारी जो लाइफ है वो एक नाटक की तरह है। उन्होंने बात की है बैक स्टेज की, फ्रंट स्टेज की, ड्रामा, कैमरा, एक्शन, तो वास्तव में क्या ऐसा ही नहीं होता। हम जो पार्टीज में शादी में तैयार होके जाते हैं तो हम एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, वो एक्ट नहीं करते हैं, मैं जितनी अच्छी लग रही हूँ, हाँ सच्ची में एक्टिंग करते हैं। और वास्तव में गवर्नमेंट की थ्योरी मुझे आज के समाज के लिए बहुत रिलेवेंट लगती है, कितने लोग दिखाते हैं हम कितने अच्छे हैं, हमारे से अच्छा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम वास्तविक उनसे कुछ मदद मांगे या बोलेंगे कि ऐसा हो जाए तो हमें लगता है ये तो खराब है, इसने तो हमारी हेल्प ही नहीं की, और कहता तो ऐसा था एक बार मेरे को सेवा का मौका दीजिए, ठीक है, और जब हमने सेवा का मौका दिया तब रघु चक्कर हो गए। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट की जो थ्योरी है, जो ये हमारी सोसाइटी है, रंगमंच है, इसमें हम अपने अपने सब रोल अदा करने आए हैं। जब शादियां होती है बहू घर में आती है, सास भी एक्टिंग करती है और बहू भी, ये तो होता है एक स्टेज होता है, लेकिन उस बैक स्टेज पे क्या होता है, देखो फ्रंट स्टेज है बैक स्टेज उन्होंने बोला है, और थोड़ा मेरी पढ़ाने का तरीका यही है, और ये नेट के क्वेश्चन है, अगर मैं तुमसे सीरियसली बताऊं तो देखो पढ़ाई को जितना बोरिंग बनाएंगे पढ़ाई उतनी बोरिंग बनेगी, पढ़ाई को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे मजा भी आएगा, तुम्हारी
एनहांसमेंट होगा नॉलेज का। मैं गॉफमैन की थ्योरी बता रही हूँ, गॉफमैन फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज की बात करता है। जब कोई आदमी अभिनय करता है नाटक में, फ्रंट स्टेज पे आके वो अपना अभिनेता, पहले वो पहन के आएगा अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आएगा, जब एक्शन होगा तो अपना कैरेक्टर को उसी अनुसार बताना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो बैक स्टेज जाएगा, फटाफट पाउडर लगाओ, मेरे बाल ठीक करो, मेरे कपड़े ठीक करो, सेम हमारी दैनिक जीवन जो रियल लाइफ होती है वो ऐसे ही होती है। घर में मेहमान आए तो तुरंत हमने कपड़े बदले, ये बाल वो, घर में इधर की कूड़ा नहीं कुछ नहीं। और यदि अनायास ही कोई आ जाए, या जूते पड़े हैं या कूड़ा पड़ा है और अब पानी का झंझट, अब दूध नहीं है चाय के लिए, और यदि कोई बता के आता है, कोई खास आता है, तो पकवान की लाइन लग जाती है। तो ये सब हम नाटक कर रहे हैं, रंगमंच है। तो कहने का मतलब ये सोशलाइजेशन है, कैसे एक माँ के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है और बच्चा ये समझने लगता है मेरी माँ मुझसे किस प्रकार के व्यवहार की आशा करती है। वो आशा करती है कि जब कोई घर में मेहमान आए तो मैं अच्छे से इंग्लिश बोल के दिखाऊं, तुतलाहट में एक अच्छी सी पोयम सुनाऊं, तो उससे क्या होंगे, मेरी माँ भी खुश होगी, आने वाला मेहमान भी खुश होगा, जाते समय 100 रुपए भी मिलेंगे। नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो जो हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर में परिवार, पड़ोस, हमारे घर के फैमिली मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बाल प्रशिक्षण और प्रौढ़ प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण। देखो व्यक्तित्व, हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। हम किन्हीं लोगों को देख के कहते हैं व्हाट अ पर्सनैलिटी, निकलता है लोगों में, अरे कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, रंग सांवला है, अरे कलर भी काला है लेकिन पर्सनैलिटी ऐसी है, कपड़े भी जच रहे हैं, मुंह से बोलते हैं तो लगता है कि सुनते रहो। तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व होता है, वास्तव में बहुत अच्छा होता है। उसमें हमारी पर्सनैलिटी निर्धारण में हमारी जो प्रशिक्षण होते हैं, चाहे बाल प्रशिक्षण या प्रॉन प्रशिक्षण की बात करते हैं हम, हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ये सब क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है हमारे इन्हांसमेंट में, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। देखिए सभी परिवार में जन्म लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोसाइटी में आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बोल्ड होते हैं, कुछ लोग कहते हैं थोड़े हिचकिचाहट, घबराहट, डरना, ठीक है। फिर हम उन्हें कह देते हैं तो दब्बू है, दबते हैं, नहीं, हमारी पर्सनैलिटी हमारे हाथ में है, चाहे हम इसको बोल्ड बना दें, चाहे हम दब्बू बना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो लगातार सीखना इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसे कहते हैं ना लर्निंग, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सीखने की प्रक्रिया है। अब हमने देखा, हमने व्यवहार के माध्यम से, हमने कई बार देखा कुछ लड़कियां हमारी क्लास में ऐसी हैं जो बोल्डली सब बोल देती हैं, बैंक में जाती हैं, देर लग गई तो वो तुरंत खड़का देती है, तो लगता है इनसे डर लगता है कि ये तो बहुत बोल्ड है, सड़क पे जा रही है कुछ गलत हो रहा है तो खड़े हो, ऐसे क्यों किया तुमने, तो वो तुरंत बोल देती है। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें देखते रहते हैं, फिर हमें लगता है यार ये तो सही है, बोल्ड होना चाहिए, अपना पर्सनैलिटी को बोल्ड बनाना चाहिए। तो हम किन्हीं बातों में हम भी सोचते हैं कि इस चीज को शो करें, इस चीज से सीख ले, या अपने व्यवहार में ये परिवर्तन लाए। तो कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बीएड वाले बच्चे, शीतल तुमने तो बीएड करा है, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड एजुकेशन, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, बाल शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा था ना तुमने, मैंने बीएड नहीं किया है, मैं तो जस्ट बच्चों की तुम्हारी किताबें देखी है, तो वास्तव में यही सब चीजें आती हैं कि किस प्रकार चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है वो एजुकेशन उसके ऊपर कितना असर डालती है। बच्चा कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, कच्चा मिट्टी का घड़ा आप उसे दबा दोगे तो वो हमेशा के लिए वैसी शेप ले लेगा,
और उसे अच्छे से आकृति दे दोगे तो उसी आकृति में रहेगा जब तक वो टूट नहीं जाएगा। तो बच्चा उस मिट्टी के घड़े के समान है कि उसकी नींव, प्रारंभिक नींव जैसे रखी जाती है जीवन भर वो वैसे ही ढल जाता है। हम उसे जैसी एजुकेशन देते हैं, जैसा पर्यावरण देते हैं, वैसा उसका बिहेवियर हो जाता है। इसके बाद आती है शिक्षण संस्थाएं, सेम यही बात। हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है या सोसाइटी का जो पार्ट होता है उसमें हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आज हम क्यों ना कहते हैं कि एक बड़े अधिकारी की जो सैलरी होती है एक दैनिक मजदूरी करने वाले से बहुत अधिक होती है। दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति कड़ी धूप में सुबह से शाम तक मजदूरी करेगा तब जाके 400 से 500 रुपए उसके हाथ में आते हैं एक दिल्ली के। अगर इसे हम महीने में बांध ले इस 500 रुपए को 15,000 रुपए महीना बैठते हैं। वही एक अधिकारी की यदि हम बात करें तो वो एसी में, पंखे में, वीआईपी ऑफिस में बैठेगा, ठीक है, और वो 4,000 से 5,000 रुपए पर डे लेगा और उसकी सैलरी लाखों में होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसका एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्यों एक मजदूर को कम लेबर मिलती है, क्यों एक अधिकारी को ज्यादा मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। सभी को ना मिल जाए फिर सभी मजदूर क्यों बने, सभी अधिकारी बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक परिस्थिति तथा कार्य, ये भी हमारे ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस की हम बात करते हैं। हम व्यक्ति जितने भी हैं आज तुम्हारे बहुत सारे स्टेटस है। शीतल तेरे स्टेटस क्या क्या है आज की तारीख में? एज अ स्टूडेंट, वेरी गुड, घर पे बेटी का है, वेरी गुड, और भाई बहन का रोल है, बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा। देखो यही तो मैं सुनना चाह रही थी, हम अब मैं टीचर हूँ तुम मेरे स्टूडेंट हो, घर पे गई तो एक बहू भी हो, एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की पुत्री हूँ, किसी की बहन हूँ, तो ये मेरे पास बहुत सारे मैंने को रोल अदा करने होते हैं। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप मुझे भूमिकाएं अदा करनी होती हैं। तो जो हमारी ये सोशल स्टेटस होती है, सामाजिक परिस्थिति और इसके साथ जो इसके कार्य होते हैं, अगर टीचर हूँ तो मेरा कार्य है पढ़ाना, अगर बहू हूँ तो मेरे कार्य और दायित्व है अपनी सास ससुर की सेवा करना, उनकी देख रेख करना, अगर माँ हो तो अपने बच्चे का पालन पोषण करना और उसकी देख रेख करना, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सामाजिक दायित्व है, ये सब, तो ये सब सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति की प्रस्तुति होती है वैसे उसे कार्य संपादित करने पड़ते हैं और ये पूर्व निश्चित होते हैं। ये हमें वो नहीं कहा गया है, हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। तो ये है हमारे जो सोशल फैक्टर, समझ में आते हैं, फैमिली, हमारा बाल प्रशिक्षण, अब्रॉड प्रशिक्षण, शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक प्रस्तुति तथा कार्य, और वो ऐसे कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर यानी सांस्कृतिक कारक जो हमारे सोशल साइकोलॉजी के, सामाजिक मनोविज्ञान के प्रमुख निर्धारक माने जाते हैं, वो है ये सब, परंपरा, प्रथाएं, रूढ़ियां, नैतिकता तथा धर्म, बच्चों का पालन पोषण, प्रशिक्षण, भाषा और विज्ञान। देखिए संस्कृति क्या है, सबसे पहले मैं संस्कृति से स्टार्ट करूंगी। संस्कृति क्या है? जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है, सीखते हैं। फिर संस्कृति सिर्फ व्यवहार ही नहीं है, संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति।
भौतिक संस्कृति में वो सभी नियम, प्रथाएं, परंपराएं, नियम, विश्वास ये सब आ जाते हैं। अभौतिक संस्कृति में सब उपकरण, वस्तुएं, आविष्कार जिनका निर्माण हमें मनुष्यों ने किया है, लेकिन भौतिक संस्कृति में वो सब नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, नियम कानून जिसको बनाया हमें मनुष्य ने है, हमें मनुष्य उनका पालन करते हैं। ये किस प्रकार हमें इफेक्ट करती है, इसमें आता है परंपराएं। देखो हम कहते हैं ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, कुछ परंपरा बताएंगे आप? जैसे दिवाली पे पूजा होती है। वेरी गुड, दिवाली पे पूजा होती है। घर में जब नवजात शिशु का आगमन होता है तो बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अकस्मात घर में मर जाता है तो हमारी जो परंपरा के अनुरूप है हम उनका निर्वहन करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमने अपने पुरखों से सीखी है और हम कहीं ना कहीं इनके सामने नतमस्तक होते हैं। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। कई बार कहते हैं ना, अरे ऐसे टाइम पे कहीं भाग नहीं खाना, ठीक है पूजा पाठ घर में चलती है तो हमें भार खाने के लिए मना किया जाता है। इसी प्रकार जब नवजात शिशु का आगमन होता है या घर में किसकी मृत्यु होती है, घर को पवित्र माना जाता है। कुछ समय बाद माना जाता है अब ये पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, हवन हो गया, शुद्धिकरण हो गया। हम अपनी परंपराओं से सीखते हैं, उनसे नतमस्तक होते हैं और कहीं ना वो हमारे साइकोलॉजिकल बेसिस से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार है प्रथाएं। प्रथाएं किसे कहते हैं, जो परंपराओं में थोड़ा दबाव आ जाता है कि हमें करना ही करना है। हमें अपने जो मृतक है उनको, जैसे हिंदू में जलाया जाता है, मुस्लिम में दफनाया जाता है, तो हमारे पास जब दबाव आ जाता है तो उसे कहते हैं प्रथाएं। तो प्रथाएं क्या होती है, जैसे पूजा भी करना, मुंडन संस्कार हुआ तब तक कोई धार्मिक प्रयोजन ना करना, ये सब प्रथाएं हो जाती है। फिर रूढ़ियां, वो रूढ़ी बन जाती है जिसमें दबाव या अवहेलना, उपहास अगर हम नहीं करेंगे समाज हमारे ऊपर हंसेगा, हमारी मजाक बनाएगा, तो हमें भय जब पैदा हो जाता है कि हमें ये काम करना ही करना है। हम कई बार जैसे धार्मिक उत्सव और त्योहार होते हैं तो कहते हैं सब बनाएंगे, अरे तुमने क्यों नहीं बनाया, ठीक है वो कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। कई बार घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो त्योहारों का एक साल तक आयोजन नहीं मनाए जाते, लेकिन अगर हम घर में अभी सप्ताह भर पहले किसी की मृत्यु हुई और त्योहार मना रहे हैं, लोग कहेंगे कैसे लोग हैं, इन्हें मरने की खुशी हुई थी क्या? तो किन्हीं चीजों में जब दबाव होता है और समाज से उपहास और अवहेलना की हमसे लगता है, हमें डर लगता है, तो उसे कहीं ना कहीं वो रूढ़ियों में आ जाता है। इसी प्रकार आता है नैतिकता और धर्म। हमारे धार्मिक नियम और नैतिकताएं, नैतिकता किसे कहते हैं, मूल्य किसे कहते हैं, जैसे हमारा अच्छा व्यवहार, कई बार हमने पढ़ा है नैतिक शिक्षा, नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति, ये सब नैतिकता है। हमसे कहा जाता है कि आप अच्छा व्यवहार कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने कार्य में निष्ठावान रहिए, देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सब नैतिकताएं और धार्मिक कानून भी होते हैं जिनमें हमसे अपेक्षा की जाती है हम इनके अनुरूप व्यवहार करें। ये लिखे नहीं है लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से मिले हैं। इसी प्रकार इसमें आता है बच्चों का पालन पोषण प्रशिक्षण, ये भी संस्कृति का एक पार्ट है। मैंने बताया था ना, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, तो बच्चे का जैसा पालन पोषण होता है, हम देखते हैं बहुत बच्चे चाइल्ड क्राइम क्रिमिनल्स बन जाते हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, कुछ नशा करने लगते हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण जिन परिस्थितियों में हुआ है उन परिस्थिति के अनुरूप बच्चा ढल जाता है। बच्चे का पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ है जो अनैतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके कारण बच्चा वो भी देखता रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो बच्चे का पालन पोषण शिक्षक
भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार भाषा और विज्ञान लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होती है ये संस्कृति का प्रमुख पार्ट मानी जाती है। भाषा, भाषा संस्कृति की वाहक है। देखिए वाहक किसे कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति को ले जाता है। जैसे बस, बस हमारे को एक स्थान पर दूसरे स्थान तक ले जाने की एक जरिया है, हमारी संस्कृति को फैलाने का जरिया है हमारी लैंग्वेज। हम अपनी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं, लिख कर, बता कर, उन्हें समझा कर, चाहे खान पान हो, वेशभूषा हो, चाहे रहन सहन हो, भाषा जो होती है वो वाहक होती है। इसी प्रकार विज्ञान, विज्ञान का मतलब अभौतिक संस्कृति से आया है, उन सभी आविष्कारों। तुम कहोगे मैडम विज्ञान का संबंध संस्कृति से कैसे है, तो मैंने तुम्हें बताया था संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का संबंध प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, विश्वास, कानून, नियम इससे आता है। अभौतिक संस्कृति का संबंध आता है उन सभी उपकरणों से, आविष्कारों से, चाहे वो मोबाइल फोन हो, पंखा हो, रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी, जिनका निर्माण हमें मनुष्य ने किया है, इनको अपनाने से हम क्या हुए हैं, आधुनिक हुए हैं। तो इन आविष्कारों ने मनुष्य ने ही किया है, और इस विज्ञान के जन्मदाता भी हम मनुष्य ही हैं, हमने ही नवीन आविष्कारों को किया है, और तभी हमारा एनहांसमेंट, हमारा विकास हुआ है, हम प्रगति की ओर अग्रसर है। तो ये थे कल्चर फैक्टर्स। तो ये है सामाजिक मनोविज्ञान के सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारण। क्वेश्चन